पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राजेंद्र प्रसाद पहली बार एक समुद्री जहाज पर विदेश यात्रा के लिए निकलते हैं। वे वहां पर बहुत कम लोगों से बातचीत करते हैं, केवल एक व्यक्ति से ही वे जान पहचान बढ़ाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहन जोदड़ो में जो गेहूं निकला वह बो देने पर उग गया। यानी मोहन जोदड़ो जो एक पुरानी सभ्यता थी, वहाँ पर गेहूं प्राप्त हुआ जिसे बोया गया तो वह उग गया। जादूघर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता यानी जो बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता, हमारा जीवन हमेशा परिवर्तनशील होता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं, मद यानी नशे में करते हैं, वह सब कितना तुच्छ और अस्थाई है। यानी जो व्यक्ति अहंकारी होता है, तुच्छ और अस्थाई है, तुच्छ का अर्थ होता है बहुत छोटा, यानी जो अहंकारी है वह यदि अपने अहंकार के नशे में रहता है तो उसे अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव भी आज उसी तरह पड़े हैं। जो विशेष करके वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता, उसे उनके नामों तक की खबर नहीं। मैंने कुछ चित्र खरीदे, यद्यपि अजायब घर का सफ़र बहुत अच्छा रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षण भंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी, ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नई थी। पिरामिडों को नज़दीक जाकर देखा तो वे बहुत ऊंची चौखटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों का पजावा जैसे बनता है, पजावा होता है ईंटों का भट्ठा, तो आपने देखा होगा वे कुतुब मीनार जैसी एक छोटी सी इमारत होती है तो उसे क्या कहते हैं, पजावा। वैसे ही ये पत्थरों के बड़े बड़े चौरस किए हुए टुकड़े से बने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है, जो ऊपर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है। ईंटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत ऊँचे। आपने देखा भी होगा कि पिरामिड जो है कितने बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे होते हैं, और उनमें जो ईंटें लगी होती हैं वे भी बहुत बड़े बड़े आकार की होती हैं। मेरा अनुमान है कि इसकी एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार इसकी चौड़ाई और मोटाई भी होगी। ना मालूम कितने दिनों तक एक एक ईंट काट कर इतनी बड़ी इमारत तैयार की होगी। तो इस प्रकार अब आपने पिछली कक्षा और इस वीडियो में यह सीखा कि किस प्रकार राजेंद्र बाबू यूरोप यात्रा के लिए निकले। रास्ते में वे स्वेज नहर के रास्ते, जिसका प्रबंध थॉमस कुक कंपनी ने किया हुआ था, वे समफिक्स की मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति देखने के लिए निकलते हैं, और रास्ते में अजायब घर जो आता है और वहाँ पर वे बादशाहों के शव जिन्हें मम्मी कहते हैं उन्हें देखते हैं, पुरानी पुरानी वस्तुएं देखते हैं, मोहन जोदड़ो से निकले हुए गेहूं देखते हैं जिसकी एक विशेषता यह होती है कि वह बो देने पर उग जाता है, और वे बादशाहों के शव देखकर इस विचार में डूब जाते हैं कि किस प्रकार हम बड़े बड़े सम्राट होने पर भी, चाहे हम किसी भी बड़े पद पर आसीन क्यों ना हो, लेकिन जीवन अंत में जीवन की यही सच्चाई है कि जीवन को समाप्त होना ही है। हम बादशाह से
कब शव में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यह जीवन बहुत ही छोटा है, क्षणभंगुर है, एक बुलबुले पानी के बुलबुले के समान है जो समाप्त होना ही है।